हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे नहीं आप सब जन लोगन, चोरा दरबार शो में एक बार फिर से आप सब जनन के बहुत बहुत स्वागत बा। हम फिर से हाजिर है एक नया मुद्दा के साथ, एक नई चौरा के साथ। आज जो हमारे चौरा में आप लोगों से बातचीत करी है वो है युवा किसान पप्पू सोनकर भैया, जो अयोध्या जिले से ही रहने वाला है। तो पप्पू भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत बा हमारे चौरा दरबार में। हाँ नमस्कार बहिनी, आप कैसन है? हम ठीक है। और बताओ भैया, ये जो न किसान बिल सरकार वापिस ले लेबा बा, एक लेके का कहा बा आपका? अरे बहुत बढ़िया भाई कि जो किसान सरकार किसान के बिल वापस हुई है। अनाई तो जाना तो जो है बहनी बहुत जो ये अनाज अबहिनो बहुत आप देखा तो बहुत महंगा हुई हुआ है, वैसे और महंगा हो जाए। ठीक है, तो हम तो बहुत खुश मनावत है कि जो है किसान बिल वापस हो गया है और हम जो है सरकार का और अपने किसान भाइयों का और देश के जनता का जो गरीब लोग हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद हम दे थे कि जो है ये बिल वापस हो गया। जैसे लोग ये कहते रहे गांव में कि सरकार किसान के नहीं सुनत बा, ठीक है। तो अब ये तो चर्चा होत रही बराबर कि किसान के सुनी ना जा रही है। बहुत लोग धरना दिन, बहुत लोग हजारों लोगों से ज्यादा लोग मर गए उसमें आंदोलन में। लेकिन कहे मतलब ये है कि सरकार अगर आगे चले तो वो ठीक है, पीछे चले तो वो ठीक है। सरकार जब जनता जैसे चुनाव देखिए, भाजपा की जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है वो मौके के तलाश करती है, कर रही है। मतलब मौके तलाश कर तलाश हाँ, मौके के तलाश ही कर रही है कि ओका तो अपने चुनाव से मतलब है। ठीक है, चुनाव जब आएगी तो बहुत सारी योजना चालू कर रहे हैं जेके जनता के दिमाग में कोनो बतिये ना आना कि ई आ सकत है, ई पद्दा आ सकत है, ई योजना आ सकत है, एक एक कोनो नहीं। जब वो चुनाव 5 साल कोनो काम न करी, जब 5 साल में 2 महीने 3 महीने चुनाव हो के बाकी रहे तब वे तमाम योजना का लागू कर दे हैं। ठीक, तो इनकी चाल भी हो सकता है और चाल नहीं भी हो सकता है। कुल मिलाए कि जोन किसान लोग धरना पर बैठा रहे ना, ठीक है, तो उनका उनके मांग पूरी हो गई, जनता अपनी तरफ खुश, सरकार के भी काम हो गए, जनता का काम हो गए। अब जनता का ये सोचे बा कि हमका वोट के खरे है। मामला चुनाव का है ना, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, मच गया है दम की जो है अब की मोदी की सरकार जा रही है अब की वोट न देवे। जनता जिससे बात आप करिए आपका यही कही कि अब की मोदी सरकार चला जाए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, काहे मतलब काहे ये कहा थी कि मोदी सरकार चला जाए, यो तो सब कहा थी कि बहुत काम करे है मतलब ये इनके सरकार, काहे ये कहा थी लोग? नहीं, काम तो करे हैं, काम जैसे सड़क बनवाए दिन, ठीक, अब सड़क तो हमका खिलाए ना, मंदिर बनवाए दिन, मंदिर तो हमका खिलाए ना, आदमी को चाहिए रोजगार, हमका रोजी रोटी, रोज रोज बहुत सारे मजदूर रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पियते हैं। अब पता चला कि जो उन्हें महंगाई इतना जबरदस्त, सिलेंडर 1000 रुपया थे एक सिलेंडर है, पेट्रोल 100 रुपया के पार जा रहा है, तो और डीजल भी ऐसे है बहुत जगह। अब बत्ती के आप जान लो कि हर घर में जो बत्ती जल रही है वो बत्ती के यूनिट के दर बढ़ गया है, बिजली बढ़ गई बा। सरसों के तेल जो उन्हें जो आदमी खरीद के लावत रहा है मान के चलो कि 80-85 रुपया में, अब उस 120-140-180 रुपया बिक रही है। ठीक है, तो ऐसे जनता का सब पता है कि के महंगाई बढ़ा रहा है और के जनता के हित में काम कर रहा है। ये रोज जो उन्हें भाजपा के सरकार रोज अध्ययन धरना दे रहे हैं। अब इन कल ही की बात आप ले लो, कल ही बहन जो उन्हें 12 राज्य के मुख्यमंत्री आवा रहे, अरे अयोध्या में कौन काम बाय चुनाव के? अब 5 साल हो गया
5 साल के पहले तो आवे चाहिए रहा कि ना आवे सही चाहिए रहा सही बताओ। बात कहा थे भैया। और का 5 साल बीते वाला बाटे, अब आवत है ना ऐसे अब पहले। आवत है ना, हाँ अब आवत है ना, अब आए के का करबे, जब 1 महीना रह गए 2 महीना रह गए चुनाव का है, तो ये जनता का मूर्ख बनाऊ आए कि ना आए। और दूसरी चीज ये है कि नौकरी के भर्ती निकलता है, अब वैकेंसी रोज निकल रही है, रोज निकल रही है, ओकरे बाद में पर्चो लीक हो जाता है भाई, देखो फैजाबाद में हाँ यूपी पर्चा टेंडा लीक वाला हो चुका पेपरवा, है। हाँ हाँ टेट के पेपरवा लीक। अब ये बतावा, यो एक सवाल उठे थे भैया कि जैसे उत्तर प्रदेश में, जैसे यूपी में सिर्फ का है मतलब पेपर लीक हुआ, तो और जगह पेपरवा हुआ था और दूसरे राज्य में ना लीक हो पावत। और दूसर बात बा, कुछ छात्रन के यो का है बा कि जब मतलब लागत बा कि इनका वैकेंसी निकाले पड़े तब पेपर लीक करवाए दिन है, हाँ देखिए यूं कुल में मिला के कहा लगता इनका, है एम नीति बांध कुल मिला के इनका योजना योजना के सबका लाभ दिखावे बाय करना नहीं है कुछ, ठीक, जनता का के। मूर्ख बनाना, ताकि जो जो उत्तर प्रदेश के नौजवान लोग हैं नहीं, ये जो है ये नौकरी के नाम पर इनका जो है वोट दिए कि हाँ सरकार नौकरियों दिए बाय, सरकार जो है विकासो करत बाय, ठीक। अभी आप इधर चली जाएं, जाए के बीकापुर की तरफ, बहुत लोगों के रोड में इनके मकान चला गवा, अब का वो उनका वोट दे हैं। अयोध्या में भी वही हाल है, अयोध्या में भी तमाम लोगों के मकान टूट रहा है, का उनका वोट दे हैं। मंदिर के नाम पर अभी देखे देखन जी, आज पेपर में हम पढ़न है दैनिक जागरण में कि अब का कहते मथुरा काशी यहाँ के बवाल जो है मोर्चा खोल दिए हैं, शिलान्यास करता है रोज रोज। देखा जनता का चाहिए विकास, जनता का चाहिए नौकरी, जनता का चाहिए रोटी रोटी रोजी रोटी और मकान चाहिए, इन तीनों चीज ना मिलता। आप डॉक्टर के देख लीन जाए, अस्पताल में आप चला जाओ, आपका जो उन्हें देखिए और पर्चा लिख दे हैं, दवाई आप जाए के बाहर दुकान से ले महंगा, और ऐसा दवाई लिखी है कि अक्के दुकान पे मिले, तो ये सब सरकार की ही जो है जिम्मेदारी है। तो दोस्तों लोगन कैसे लाग आज के हमारे ये चौरा दरबार, अगर आप लोगन का पसंद आए हुए तो लाइक करिया, कमेंट करिया, और हाँ अगर आपके पास ऐसा कोनो और मुद्दा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइया। फिर हम अगले एपिसोड में मिलब कुछ अलग मुद्दा के साथ, कुछ अलग चौरा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।